किसके टर्म में लिखेंगे? मोल्स पर सेकेंड, यानी मोल्स पर टाइम, सेकेंड कोई जरूरी नहीं, टाइम हो सकता है, मोल्स पर मिनट हो सकता है। क्या भाई बात सबको समझ में आ गई? अभी किसी को इसमें दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, कहीं भी पूछ सकता है। देख लो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घर का मास्टर है, ऐसे समझो, ठीक है ना? अपन तो फैमिली वाले लोग हैं, सब एक दूसरे के। तुम लेट पैदा हुए, हम पहले पैदा हो गए, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है? हाँ बेटा, इसलिए कि इसका यूनिट जो दिया था ना, रेट ऑफ अपीयरेंस का, वो दिया था मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और अपने को रेट किसमें लिखना है? मोल्स पर सेकेंड। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो मोल्स पर सेकेंड ना हो गया। मोलैरिटी नहीं लिखते, मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखते हैं मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोल्स। क्या भाई बात सबको समझ में आ गई? देख लो, कोई ऐसा है जिसको ना चमका हो? सबको चमक गया? देख लो भाई, चमकना चाहिए, नहीं चमकेगा दिक्कत हो जाएगी बहुत। मतलब होता है, मतलब अपन जब कोचिंग करते तो अपन भी नहीं पूछते थे, सही बताएं तो नहीं पूछते थे, डर लगता था, टीचर बेइज्जती ना कर दे, वहां कर देते थे, यहाँ नहीं करते। यार नहीं आया तभी तो आए हो भाई, तुम्हें अगर कुछ दिक्कत है तभी तो कोचिंग ज्वाइन की हो। वो लोग भावनाओं को नहीं समझते ना, लेकिन तुम लोग पूछते भी नहीं हो। जैसे मान लो डॉक्टर के यहाँ गए 150 का पर्चा लेके, डॉक्टर का पर्चा बनता है ना भाई, डॉक्टर देखता कब है, उसके हाथ में पर्चा होता है थोड़ी ना, रिसेप्शन पे आजकल पैसा ले लेते हैं। अब तुम मान लो साला 150 बर्बाद करके उसके रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ गए, ऐसे ऐसे घूम रहे, आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको बीमारी बताऊं कि ना बताऊं।